हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ब्लूटूथ की कनेक्टिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने ब्लूटूथ को जो है किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लूटूथ जो है कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस प्रोसेस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, आपको जो है ब्लूटूथ बंद कर देना है और सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के लिए आपको है ना मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा है, इस पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है ना सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फोन की हमारी जो है नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको ना नीचे की साइड आना है, सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। तो ये तीन सेटिंग आपको दिखाई दे रही है, वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग है इंक्लूडिंग रहती है पहले से, ठीक है। तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको जो है ना इस अगले पेज में अपने फोन का स्क्रीन लॉक यहां पे एंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। तो आपको ना नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को अगर रीसेट कर देंगे ना तो आपके मोबाइल फोन में जो ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो अपडेटेड ना होने की जैसे भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो हम मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेटेड है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेटेड हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। कैसे करेंगे रीसेट, देखिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको ना सबसे ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको APN का पेज मिलेगा, APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट पे टैप करना है, एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपकी ब्लूटूथ की जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए आपको मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते तो आपको लास्ट में अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको मोबाइल फोन के रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे ना तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में पहले तो ट्रांसफर कर लेना है, और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो जितने भी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपके ब्लूटूथ में जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।